Wow, pasa que ella. सामने जो रोड है, इस रोड का नाम है चौक रोड। तो यहाँ से फिर रुपए राइड करने के लिए हम लोग चल रहे हैं अभी ऊपर की ओर। बाद ऊपर चढ़ना पड़ता है, रुपए के लिए लाइन लगाना पड़ेगा भाई। जहाँ भी जाओ, राशन पानी, खर्चा पानी सब कुछ। तीन आदमी का है मतलब 600 रुपया हुआ, मतलब 200 करके पर हेड लगेगा रुपए चढ़ने के लिए। और अभी ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये लंबा सा लाइन देना पड़ेगा, उसके बाद जाके रुपए में चढ़ पाओगे। टिप्स ये है कि अगर रोपवे में चढ़ना है तो सुबह में कहीं पे मत जाओ। सबसे पहले ये जो रोपवे है यहाँ पे राइड करो, उसके बाद कहीं अगर निकलना हो तो वो निकलो। क्यों? लाइन इतना लंबा हो जाता है कि यहाँ पे मतलब तुम बाद में आओगे तो फिर और लाइन बड़ा होता जाएगा, फिर बड़ा लाइन के पीछे एकदम खड़ा होना पड़ेगा तुमको। रहता ना तो मजा आ जाता नीचे का व्यू देखने। ये सब जो पेड़ पौधे हैं ना, वो एकदम बोलने जैसे चमकते। यार एक बात बताओ, अगर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ये सब नहीं होता तो ये सब सेल्फी वगैरह का कोई जमाना रहता है क्या? कोई फोन में फोटो खींचता क्या? नहीं ना। तो यहाँ से जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है टोटली जो है ये टी गार्डन है। फिर अलग से लाएंगे, क्या सिस्टम है ये? एक बार रोपवे में चढ़ेंगे, दो दो बार लाइन लगाएंगे तो दिमाग गर्म नहीं होता? उतर दिया गया और उतरने के बाद मतलब ये एक तो स्टेशन है, वहाँ से आके फिर यहाँ उतरना है, और यहाँ से घूम के फिर जाके दूसरे बार लाइन देना पड़ेगा, फिर जाके रुपए में चढ़ना पड़ेगा। तो मतलब टाइम वेस्ट ही हुआ ना हम लोगों का। मज़ा के बीच में अगर कोई ब्रेक लगाए तो कैसा लगे बताओ? वो ही देखा जाए, ताल गाछ हुई हमारे गा वही खाने से पास करे खाना वगैरह छा। अभी जो है हम लोग जू में जाने वाले हैं, तो यह है जू का रास्ता।